फिल्मी न्यूज का 64th एपिसोड शुरू करते हैं। सबसे पहले लियोनार्डो डी कैप्रियो एंड जेनिफर लॉरेंस को कास्ट किया गया है इन डायरेक्टर मार्टिन सोर्सेजी की न्यू मूवी के लिए, जो कि फ्रैंक सिनेट्रा की बायोपिक होने वाली है। उसके बाद एंड्रू गारफील्ड एंड माइल्स टेलर टॉप चॉइस है मार्टिन सोर्सेजी की जीजस मूवी के लिए। उसके बाद स्टीवन स्पीलबर्ग की न्यू मूवी एक यूएफओ मूवी होने वाली है एंड डेविड क्योब इसकी स्क्रीन प्ले को लिखने वाले है। उसके बाद क्विंटन टारेंटिनो अपनी लास्ट फिल्म जो कि द मूवी क्रिटिक होने वाली थी उसको अभी उन्होंने कैंसिल कर दिया है और एक न्यू मूवी के ऊपर वो काम करने वाले हैं। उसके बाद कियानु रीव्स लीड करने वाले हैं इन डायरेक्टर रूबिन ओसलैंड की एयरप्लेन डिजास्टर कॉमेडी मूवी को टाइटल्ड द एंटरटेनमेंट सिस्टम इज डाउन। उसके बाद द ऑफिस के नए सीरीज को लीड करने वाले हैं डोमिनोल ग्लीसन एंड सबरीना इम्पातोरे और ये पुरानी ऑफिस सीरीज के सेम यूनिवर्स में सेट होगी। उसके बाद ओल्ड बॉय मूवी अब एक टीवी सीरीज में कन्वर्ट होने वाली है फ्रॉम डायरेक्टर पार्क चैन वू। उसके बाद सोनी पिक्चर्स डिस्कस कर रहे हैं पैरामाउंट को बाय करने के लिए। उसके बाद लुकिन स्टैनफील्ड लीड करने वाले है इन एल पासो एल्सवेयर मूवी को। उसके बाद डेडपूल इन वुल्वरीन का ट्रेलर रिलीज हो गया है और मूवी 26 जुलाई 2024 को रिलीज होने वाली है। उसके बाद ट्रांसफॉर्मर्स 1 का ट्रेलर रिलीज हो गया है और ये रिलीज होने वाली है ऑन 20th September 2024 को। उसके बाद डायरेक्टर एम नाइट शयमालन की मूवी ट्रैप का ट्रेलर रिलीज हो गया है और 9th August 2024 को ये रिलीज होने वाली है। उसके बाद डायरेक्टर ईशानी नाइट शयमालन की मूवी द वॉचेस का ट्रेलर रिलीज हो गया है और 7th June को ये फिल्म रिलीज होने वाली है। तो आपको ये अपडेट्स कैसे लगे हमें कमेंट्स में लिख के जरूर बताएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और लोगों के साथ और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ऐसे और वीडियोस देखने के लिए। और यहाँ पे आप हमारी लेटेस्ट वीडियो देख सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर।